वेल गाइज, दिस इज अंकित हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C++ की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का जो जिससे हम अचीव कर सकते हैं लाइक वर्चुअल फंक्शन, वो चीज़ क्या होती है। काफ़ी लोगों का रिक्वायरमेंट था कि यार वर्चुअल फंक्शन क्या होती है, काफ़ी लोगों को डाउट भी आता है, तो मैं आपको आज डाउट तो क्लियर कर ही दूंगा। और इसी के साथ साथ मैंने आप बताना चाहूँगा कि मैं पॉलीमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म का जो बेसिकली टाइप होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और उसका जो दो पार्ट्स होते हैं लाइक ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, इस पर मैंने वीडियो बना चुके हैं। अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो डेफिनेटली करें। और इसी के साथ साथ मैं बता दूँ कि C++ के अंदर मैंने काफ़ी कंसेप्ट को क्लियर किए हैं, वीडियो को जरूर चेकआउट करना। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं यार C++ की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मार्केट के अंदर, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। C++ एक बहुत ही पावरफुल एंड एक्स्ट्रा पावरफुल लैंग्वेज है यार, आप बिलीव करो, इस पर प्रोजेक्ट बनानी आनी चाहिए बेसिकली, बस इसी की बात इतना सा है और आप इसमें बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकते हो। ठीक है, तो मैं जल्दी से सिंपली एक फाइल तो मैंने क्रिएट कर ही रखी है और मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है परफेक्टली। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें ना, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि रन टाइम से जैसा कि आप समझ सकते हैं यार कि वो फंक्शनलिटी जो रन टाइम पे एग्जीक्यूट होनी होती है, इसको हम अचीव कर सकते हैं बेसिकली आपका वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, जैसे कंपाइल टाइम था, इसके अंदर हमने दो पार्ट्स देखे थे, उससे हम इसको अचीव कर सकते थे लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लेकिन हमने रन टाइम के अंदर भी वही है कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता तब हम डिसीजन लेंगे कौन सा कोड रन होना पर्टिकुलरली, और यही है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपको पता है यार, एक नाम से आप कई तरह के मल्टीपल टास्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये आपका सिंपली पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो बस यही है और मैं आपको और एक्स्ट्रा बताऊंगा आगे। और बेसिकली वर्चुअल फंक्शन की बात की जाए ना, तो ये क्या होता है, इसकी बात की जाए तो ए वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन विच इज़ डिक्लेयर्ड विद बेस क्लास एंड इज डिफाइंड बाई डिराइव क्लास। अब गाइज सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसका जब भी मैं प्रोग्राम आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये सिंपल वर्चुअल फंक्शन होता है। मैं एक काम करूंगा, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन का प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पे हूँ अभी, मैंने फाइल तो बता ही दिखी है बेसिकली, मैंने क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे मैं चलता हूँ इंक्लूड, जैसे मैं लिखता हूँ। अब गाइज यार कई लोग ये डाउट, आप इंक्लूड लिखते हो तो पूरा टेम्पलेट कैसे आ जाता है, मैंने बताया है वीडियो को चेकआउट करें, C++ की सीरीज के अंदर ही है वो चीज़ भी। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बताऊँ ना यहाँ पे, तो ये बेसिकली बेसिक टेम्पलेट मेरे पास आ चुका है। मैं सिंपली क्लास क्रिएट करूँगा लाइक एक्स नाम से और इसके अंदर मैं करूँगा क्या, इसके अंदर मैं यहाँ पे सेमी कोलन पहले तो दे देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं सिंपली इंटीजर ए लूँगा एंड इसके अंदर 10 पास कर दूँगा सिंपल परफेक्टली। मैंने एक क्लास क्रिएट की है एक्स नाम से और यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप लिया है जिसके अंदर ए है बेसिकली, और ए के अंदर मैंने कुछ वैल्यू को असाइन किया है विद असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बहुत ही सिंपल सी थी, इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि अभी यार समझ में नहीं आए। इसमें भी डाउट है तो आपको क्लास वाला वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने बनाया है C++ के अंदर, जाके चेकआउट करना। ठीक है, अब मैंने किया इसके अंदर मैं एक एक्सेस स्पेसिफायर ले लेता हूँ, कैसे लेना है पब्लिकली, इस टाइप से मैं इसको ले लेता हूँ पब्लिक। ठीक है, इसके अंदर मैं चलता हूँ, एक सिंपल फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ एज ए नॉर्मल फंक्शन बोल सकते हो लाइक वॉइड डिस्प्ले नाम से मैं एक सिंपली फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं कुछ पास कर देता हूँ लाइक मेरा ऐसे कर देता हूँ एक्स वैल सॉरी ए वैल ए, तो एक्स तो हमारी क्लास है ऑब्वियसली, तो ए वैल इज मतलब ए की वैल्यू क्या है अभी, ए की वैल्यू जो भी होगी मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कर देता हूँ। इसी के साथ मैं हैंडल लगा देता हूँ, अगर आप पे तमीज़ है तो आप बेसिकली हैंडल लगाएंगे और सिंपल है, आपको हैंडल लगाना चाहिए, आपका प्रोग्राम क्लीन दिखे, आउटपुट आएगा वो सिंपली आपका क्लीन दिखे और वो नई लाइन से स्टार्ट हो तो भी आपका आउटपुट आएगा वो सिंपल। ठीक है, तो होप की चीज़ क्लियर है इतना। तो मैंने किया क्या, इस फंक्शन क्लास के अंदर सिंपल एक डेटा टाइप लिया है, एक सिंपल एक्सेस स्पेसिफायर लिया पब्लिकली और उसके अंदर मैं कुछ डेटा पास कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, उसके अंदर जो भी प्रोग्राम होगा जो भी इसके अंदर कोडिंग होगी उसको। ठीक है, मैंने किया। अब इसी के साथ साथ मैं एक नई क्लास और क्रिएट करता हूँ लाइक वाई। ठीक है, और ये बेसिकली मेरी बेस क्लास है, ये मेरी बेसिकली डिराइव्ड क्लास है सॉरी ये मेरी बेस क्लास है और कला काक्ष क्या लिखे गया है क्लास है सिंपल, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द डिराइव्ड क्लास, ये सिंपल मेरी डिराइव्ड क्लास है सिंपल। ठीक है, बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, मैंने दो क्लास को क्रिएट कर लिया, होप की चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, जो वाई क्लास है इसको मैं एक्सेस करूँगा बाय यूजिंग पब्लिक मेथड, आई विल लाइक मैं पब्लिकली इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको गेट कर लिया और मैं इस एक्स का नाम पास यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, सेम मुझे वही चीज़ करनी है,
मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सिंपली जो मेरा इंटीजर एक्स है या फिर इंटीजर बी है इक्वल टू एक मैं अनदर डेटा टाइप ले लेता हूँ लाइक 20 सिंपल, इसके अंदर मैं वही चीज़ करूँगा गाइस सेम टू सेम। और मैं चाहूँ तो यार इसको बिना टाइम वेस्ट के कॉपी करके काम चला लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी जल्दी से। और मैं इतना इतना कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं थोड़ा आलसी टाइप हूँ पता ही आप लोगों को। पब्लिकली मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन मैंने यहाँ पे पास कर दिया। बी के अंदर मैं करूँगा क्या, इसकी बी की वैल्यू मैं पास कर दूंगा इस स्टेप से, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कोलन पुट करना है। अब गाइज आपको सिंपली करना क्या है, हमने दो क्लासेस क्रिएट किया लाइक बेस क्लास एंड डिराइव क्लास, सिंपल ठीक है। एक बेस क्लास है एंड एक डिराइव क्लास है। तो अभी गाइज मैं क्या करूँ, अभी मान लो कि मैं यहाँ पे चलता हूँ मैन मेथड के अंदर सिंपली, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ देखना, जो मेरा एक्स क्लास है इसके अंदर मैं एक पॉइंटर पी, बेसिकली एक मैं इसका पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंटर सिंपल, ठीक है। और पॉइंटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है। मैंने पॉइंटर क्रिएट किया, पॉइंटर कैसे क्रिएट किया था मैंने बताया है, इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए सिंपल, ठीक है। और एक्स क्लास का मैंने सिंपल पॉइंटर क्रिएट किया। अब ये जो आपका है क्या वाई, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो मेरा वाई है इसका मैं एक सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, वाई क्लास इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, क्रिएट द ऑब्जेक्ट इस तरह से लिख देता हूँ मैं सिंपली, ठीक है। क्रिएट दी ऑब्जेक्ट इस टाइप से सिंपल, ठीक है। तो बस इतना काम तो कंप्लीट हुआ। ऑल राइट, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना ये है कि ये जो मैं रेफरेंस पास कर दूँ सबसे पहले तो किसका, जो मेरा पी है इसके अंदर, मतलब ये जो पॉइंटर है क्लास एक्स का, बेसिकली बेस क्लास का जो भी पॉइंटर है इसके अंदर मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर दूँ सिंपल इस टाइप से, रेफरेंस ऑब्जेक्ट वन इस टाइप से सिंपली। तो यार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पास द रेफरेंस, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप, बेसिकली आपको समझाने के लिए है, पास दी रेफरेंस ऐसे कुछ भी करते सकते हो, ठीक है बस। ऑलराइट, तो इतना काम कंप्लीट हुआ। अब देखना क्या करना है, ये जो आपका पॉइंटर है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं पी को लेट बाय, बेसिकली इसको आप बोल सकते हो लेट बाइंडिंग सिंपल, अगर ऐसा करूं सिंपली, और मैं अगर ऐसा करके सिंपली डिस्प्ले को प्रिंट कर, देख सकते हो ऑटोमेटिक सजेस्ट आ रहा है, इसको मैं प्रिंट कर दूँ ठीक है। और मैं यहाँ पे सेमी कोलन प्रोवाइड कर दूँ ठीक है। और इसको मैं कोड को कम्प्लीटली रन करूँ एक बार, तो आप नोटिस करना, तो गाइज अभी जो मेरे पास कम्प्लीटली आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है ए की वैल्यू 10 है, मतलब ए वी ए वैल्यू इज 10 सिंपली, और अब वो आना भी चाहिए। लेकिन यार मान लो कि आपको ये फंक्शन चलाना नहीं है, कभी ऐसी आपको नीड पड़ गई ठीक है, तो यार ए की वैल्यू 10 है तो वो तो आ ही रही है, लेकिन ये बी को नहीं आ रहा, मतलब ए की रेफरेंस से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लेट बाइंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। मैं अभी लिख देता हूँ लेट बाइंडिंग स्टेप से, ठीक है सेव करता हूँ मैं। मान लो ये फंक्शन आपको नहीं चलाना है, मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पे वो डिसीजन ले कि मेरा कौन सा फंक्शन है वो पर्टिकुलरली एग्जिट होगा रन टाइम से। दोनों फंक्शन का नाम सेम है, और मैंने बताया था पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कि सेम नेम से हम मल्टीपल टास्क को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वही आपका पॉलीमॉर्फिज्म होता है ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये फंक्शन चलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला फंक्शन चलना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन को बंद करोगे। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सिंपली वर्चुअल कीबोर्ड, इतना सा है बस सिंपल, इससे ज़्यादा वर्चुअल कीबोर्ड है ही नहीं कुछ। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी मेरे पास जो वी की वैल्यू आएगी, बी वैल्यू इज 20, ये वाला आउटपुट आएगा, और मेरा प्रोग्राम चलता है। और आप नोटिस करना यहाँ पे सिंपली मेरे पास यहाँ पे आ रहा है बी वैल्यू इज 10। तो यार बहुत ही सिंपल सा था वर्चुअल फंक्शन, मैंने आप लोगों को बता दिया। और भी प्रोग्राम देख लेंगे इसका आगे, जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली डीप के अंदर और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी तो आप इतना समझो कि ये बेसिकली वर्चुअल फंक्शन कुछ इस टाइप से हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आपको सिंपली इस कोड पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ये वाला ठीक है। पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेफरेंस क्रिएट किया, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बेसिकली एक कोडिंग हो रही है क्लास के अंदर और कुछ है ही नहीं, आपको इस पर ध्यान देना है सबसे पहले, मेन लॉजिक हमारा यहाँ पे है ठीक है। सो बस गाइज आपको इसके अंदर कोई बेसिकली समस्या है, कोई प्रॉब्लम है बताइए मुझे। और आज इस वीडियो के लिए इतना ही, और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गाइस थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।